11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेंटर दे रखा है 0 यूनिट, रेडियस दे रखा है 2 यूनिट्स, तो इक्वेशन होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। जहां पर सेंटर क्या होता है हमारा h और k, तो h की जगह रखना है 0, k की जगह पुट करना है 2, रेडियस कितना है 2 यूनिट। सिंपल इसका ये आ जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा 0 है, यहां होल स्क्वायर बोलना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल इक्वेशन है। इसी तरह फिफ्थ में सेंटर दे रखा है माइनस ए माइनस बी, ये रेडियस दे रखा है, इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एच, एच का मतलब माइनस ए। इसी तरह वाई माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। रेडियस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल होल स्क्वायर खोलना है, यहाँ से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी मैंने ऐसे चीज लिखा है, यहाँ बी स्क्वायर है ये माइनस बी स्क्वायर, वो लेफ्ट में लाएंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट टू फिफ्थ का दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 to 9, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको कंपेयर करना है किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, x माइनस एच वाई माइनस के, तो माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हमने प्लस को क्या लिख दिया माइनस ऑफ माइनस वाई। इसी तरह ये एज इज y माइनस 36 कैन बी रिटन एज 6 पर, इससे कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 6, तो सेंटर आ गया हमारा माइनस 5 3 और रेडियस कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से भी करेंगे और जनरल इक्वेशन से भी करेंगे, ये इजी पड़ेगा। स्टैंडर्ड से कैसे करना है, x वाले कंबाइन कर दें, तो x वाली दो टर्म है इसको मैंने एक ब्रैकेट में रखा, y वाली दो टर्म है इसको एक ब्रैकेट में रखा, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो 10th में दिया था कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ उसका स्क्वायर ऐड करते थे दोनों का, याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर थर्ड चैप्टर में था, तो x का कोएफिशिएंट कितना 8, 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो 4 स्क्वायर ऐड भी करना है 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसी तरह यहाँ 10, 10 का हाफ कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये 12 आ जाएगा। आप ये किसका होल स्क्वायर बन गया, नेगेटिव है तो माइनस का बनेगा, सारे टर्म पॉजिटिव है तो प्लस का बनेगा, तो ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर 5 प्लस 5, तो प्लस को क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 5, यहां पर सिंपलीफाई किया 53 आ गया, 53 को स्क्वायर में लिखना है तो इट कैन बी रिटन एज रूट 53 स्क्वायर, तो यहां से कंपेयर किया तो h की वैल्यू कितनी आ गई 4, k की वैल्यू माइनस 5 और रेडियस कितना आ गया, इससे कंपेयर करेंगे तो रूट 53। अब आ गया हमारे पास जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी एक कंडीशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन होती है x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और उसको 1 बनाना, सेम होगा तभी 1 बनेगा, अगर दोनों 2 होंगे तो आप 2 कॉमन लेके 1 बना सकते हो कोएफिशिएंट, पर 8 2 और 8 3 होगा तो ये 1 नहीं बन सकता, इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। सर्कल की इक्वेशन के लिए इनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, फिर कोएफिशिएंट बनाते हैं बाद में, तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, जो सेंटर होता है नेगेटिव हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ गया आपका 4, ये आ गई आपकी एच की वैल्यू। सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, नेगेटिव हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना बन गया माइनस वाई, तो ये आ गया आपका माइनस वाई, डायरेक्ट आ जाएगा सेम। उसके बाद रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का मतलब जो आपने यहाँ पर निकाला है, एफ का मतलब जो आपने यहाँ निकाला है, और सी का मतलब जो कॉन्स्टेंट है वहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये आपकी सी बनेगी माइनस स्क्वायर, ठीक है, इससे आप डायरेक्ट रेडियस निकाल सकते हैं। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पोज करना है।